हेलो भाइयों, मैं हूँ आपका भाई सुमित और मैं आज आपको बताने वाला हूँ 5 प्रो ड्रैग हेडशॉट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जो कि बहुत ही अच्छी टिप्स है, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो आप इजीली पूरा स्क्वाट ख़त्म कर सकते हो बहुत ही आराम से। तो चलो भाइयों, बढ़ते हैं हमारी पहली टिप की तरफ। तो भाइयों, हमारी फर्स्ट टिप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, सेंसिविटी। तो सेंसिविटी यार आपकी सही होगी ना तो आप इजीली ड्रैग लगा पाओगे। तो सेंसिविटी कितनी रखना है, तो सेंसिविटी भाई हमको हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ड्रैग हेडशॉट लगाना है तो हाई सेंसिविटी होना ज़रूरी है। तो हाई कितनी, तो देखो हाई आपको जनरल 90 रख सकते हो, 90 से 100 के बीच में जो भी आपको रखना हो रख सकते हो। और रेड डॉट जो कि हमारा है तो वो 80 से 90 के बीच में रखना है, और 2x और 4x 100 रखना है, तो आप इससे इजीली ड्रैग हेडशॉट लगा पाओगे, क्योंकि इतनी सेंसिविटी तो होना ज़रूरी है ड्रैग हेडशॉट लगाने के लिए। तो भाइयों, बढ़ते हैं हमारी सेकंड टिप की तरफ। तो सेकंड टिप क्या है, तो सेकंड टिप हमारी ये है कि आपको इसमें बंदे के चेस्ट पे एम करना है, चेस्ट पे एम करना है, मतलब जो डिफ़ॉल्ट में होता है जो चेस्ट पे एम जाता है तो वो चेस्ट पे एम करके ड्रैग कर देना है, तो इजीली आप ड्रैग मार पाओगे। पहले आपको यही करना है, बंदे के चेस्ट पे एम करना है, देन एक दो गोली मारना है और उसके बाद में आपको ड्रैग कर देना है, तो इजीली बंदे को हेडशॉट पड़ जाएगा। तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बंदे के चेस्ट पे एम करना है, अगर चेस्ट पे एम नहीं होगा तो हेडशॉट मारना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लग जाएगा। पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कोशिश रहे कि आपको बंदे के चेस्ट पे एम करना है, ये देखो चेस्ट पे एम करना है, ड्रैग कर देना है, चेस्ट पे एम करने के बाद में थोड़ा सा हल्का सा ड्रैग कर देना है, अपने डॉट को ऊपर कर देना है। देखो मैं बता दूंगा दूसरी क्लिप में भी, एक बार ये देख लो, और ये एम किया और थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करके ड्रैग हेडशॉट। तो भाई वो बढ़ते हैं हमारी थर्ड टिप की तरफ। तो थर्ड टिप बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, इसमें आपको गलती नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, नो स्कोप एंड ड्रैग, बंदे पे एम ले जाना है और ड्रैग कर देना है, बंदे पे एम ले जाने के बाद हल्का सा ड्रैग कर देना है। देखो मैं जैसे कर रहा हूँ क्रिप में, देख लो जो बंदा ज़्यादा दूर है तो उसको हल्का सा ड्रैग करना है, हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं। ये देखो बंदा ज़्यादा दूर है तो मैं स्कोप खोलूँगा थोड़ा सा, स्कोप खोलने के बाद ड्रैग कर देना है, तो इजीली बंदे को हेडशॉट मार पाओगे आप। ये टिप मिड रेंज के बहुत ही काम की है। तो आपको करना है क्या, सिंपली आपको फायर बटन को प्रेस करना है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ प्रेस करना है, वो भी फास्ट, थोड़ा फास्ट, इतना भी नहीं कि मतलब ज़्यादा ही फास्ट करना है थोड़ा सा। और आपको एनिमी के हेड को फॉलो करना है, एनिमी के हेड को फॉलो करना है, और वो जिधर मतलब जिस दिशा में भाग रहा है ना उस दिशा में आपको ड्रैग करना है, मतलब आपके फायर बटन को ले जाना है ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा, तो आप इजीली बंदे को ड्रैग हेडशॉट मार पाओगे। तो भाई वो टिप्स कैसी लगी यार, कमेंट बॉक्स में बताना, और किसको किसको ये टिप्स पता है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो कैसा लग रहा है भाई वो ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम डेली टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाते रहते हैं। तो चलो भाई वो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की ओर, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है। तो भाई वो बढ़ते हैं हमारी फोर नंबर की टिप पे। फोर नंबर की टिप बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, मतलब कि वेपन आपको कौन से वेपन यूज़ करना है। तो वेपन यार भाइयों आपको M4A1 है जिसमें रेट ऑफ फायर अच्छा हो, स्कार है जिसमें रेट ऑफ फायर बहुत ही अच्छा है क्यूपेड में, और ये ग्रोज़ा भी जो कि फ्री में मिली थी तो बहुत ही अच्छी है ये ग्रोज़ा भी। और अगर आपके पास और भी कुछ नहीं है तो M60 भी आप यूज़ कर सकते हो जिसमें रेट ऑफ फायर हो। तो रेट ऑफ फायर वाले वेपन्स भाई वो बहुत ही अच्छे होते हैं ड्रैग हेडशॉट के लिए। तो भाइयों आपके पास इन चारों में से कोई सा भी वेपन है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रेट ऑफ फायर वाले वेपन्स से ही खेला करो, मतलब उनसे ड्रैग हेडशॉट इजीली लग जाते हैं और इजीली आप मार पाओगे। तो अगर आपके पास इन चारों में से कोई से भी वेपन्स है रेट ऑफ फायर वाले तो आप वही यूज़ कीजिए। तो भाइयों हमारी 5 नंबर की जो टिप है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है, इसको नोट कर लेना आप। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है 7 डेज, एंड 7 डेज में आपका इसको रिजल्ट देखना है। और आपको क्या करना है, नो स्कोप में ज़्यादा से ज़्यादा खेलना है। तो नो स्कोप में अगर आप खेलोगे तो आपको ड्रैग हेडशॉट लगाने की आदत हो जाएगी, जो कि बहुत ही एक नंबर, मतलब आपको आदत, अच्छी आदत हो जाएगी। और इससे आपको MP40 में भी मतलब बहुत ही हेल्प मिलेगी, आप MP40 का इजीली ड्रैग कर पाओगे, जिससे आप क्लोज रेंज में हर बार आप MP40 से जीत सकते हो बंदे से। तो भाई ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि हम रोजाना ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाते रहते हैं।
तो भाइयों इस वीडियो का लाइक है हमें 200, तो 200 लाइक कंप्लीट कर दो यार फटाफट से, और इसका पार्ट टू भी हम लाएंगे। अगर 200 लाइक कंप्लीट हो गए तो फटाफट से 200 लाइक कंप्लीट कर दो और पार्ट टू के लिए रेडी रहो। और कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर रहा है और कौन कौन पहले से फॉलो कर रहा है और कौन कौन अब करेगा फॉलो। तो चलो भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।